3% नीचे। ये देखिए ये किस तरीके से एकदम से नीचे आया अशोक लेलैंड। गाबा सर, ये आपके पोर्टफोलियो में है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप हमेशा देते हैं, इस डिक्लाइन को कैसे देख रहे हैं आप? पॉसिबल है कि थोड़ा और भी नीचे आए, लेकिन जो सपोर्ट है क्रूशियल सपोर्ट अशोक लेलैंड में, मेरे ख्याल से वो करीब 165-170 के आसपास है, वहां पर एक बाउंस मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाय मोड पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, इट शुड कम डाउन। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, पॉसिबल है कि 172-170 ये जोन है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आशीष जी, आपका व्यू क्या होगा अशोक लेलैंड पर? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से जिस तरह से स्टॉक ने 3-4 दिनों के लोस को ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी जो सीवी साइकिल है उसके अंदर में अपटिक आने के बावजूद भी टाटा मोटर्स एक बहुत ही रिलेटिवली बेटर प्ले रहा, और अशोक लेलैंड में हमने उस तरह की रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं देखी। तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगा, और अभी जो डिप है ये शायद हो सकता है 172 तक आए, 172 पे अगेन एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर पे स्टॉक का बेस बने। बट द पॉइंट इज कि इसका एक अंडर परफॉर्मेंस जो मेरे हिसाब से ऑटो के अंदर में जो बाकी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे टाटा मोटर्स की बात करें या दूसरे जो ऑटो के अंदर में एम&एम या आइशर की बात करें, तो उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ मुझे कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड में मिसिंग नजर आती है।